अब लोगों को आप पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज से लाके हिंदुस्तान में कहाँ रखेंगे? दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल, जगह कहाँ है? उनको नौकरियाँ क्या देंगे? मुझे एक बात बताएं, आप में से किस किस के पास अच्छी नौकरी है? नौकरी तो है कोई, एक मिनट, आप क्या एम्प्लॉयमेंट देंगे? वो खाएंगे क्या? वो पहनेंगे क्या? एक तो हमारे पास वोट करने के लिए अलग कार्ड है, आधार कार्ड का क्या यूज है? डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई? आई एम सॉरी बट अगर हम एक चाय बनाने वाले को देश पकड़ा देंगे तो ये होगा। हम सबसे सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि हमने जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, इट इज बाइटिंग अस इन द फेस। तो क्या आपने मानते हैं मजबूत प्रधानमंत्री देश को मिले और मजबूत हाथों में देश है हमारा इसका? बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है सर, क्या आपको लगता है कि देश मजबूत हाथों में? आप मुझे एक बात बताएं, आप रिपोर्टर हैं, पुलिस का काम क्या होता है? देश की सुरक्षा करना, लोगों की सुरक्षा करना। पुलिस कर क्या रही है? जुडिशरी का क्या काम है? न्याय दिलाना लोगों को। जुडिशरी क्या कर रही है? तो आप देख रहे हैं, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ती हूँ। ये जो कहते हैं ना कि बच्चे टेररिस्ट है, जो सुबह लोग बैठ के चाय पे ये सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं ना कि न्यूज पढ़ते हैं, पॉलिसी आई, हम पूरी पूरी रात बैठ के उन पॉलिसीज को बनाते हैं, हम स्टडी करते हैं, हम रिसर्च करते हैं और हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो तुम हमें बताओ कि हम क्या कर रहे हैं? और हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल गलत नहीं है। कोई मुझे बता दे कि ये गलत है, मैं तो आपको मूर्ख समझूंगी। इसमें गलत क्या है? आपको डिसेंट में और आपको हम लोग वी आर शोइंग यू डिसेंट। आपने पुलिस का अभी नाम लिया कि पुलिस क्या कर रही है, जैसे JNU की घटना हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस पे एक बड़ा आरोप लग रहा है कि पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, माय फादर इज अ पुलिसमैन, आई एम अ कश्मीरी, ठीक है? मुझे पता है पुलिस वाले का काम क्या है, बिकॉज आई हैव बीन रेस्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर माई सेल्फ। एक पुलिस वाले का काम नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करके 15 दिसंबर और 5 जनवरी की रात को और शाम में क्या हुआ है, मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ उस हरकत को। 15 को आप जामिया के अंदर आते हैं, आई वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, आप अंदर आते हैं, आप बच्चों को लाठी चार्ज करते हैं, आप कहते हैं कि हमारे पास परमिशन थी, और फिर जब 5 तारीख को आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, आप गूंस को, आप गुंडों को रोक नहीं सकते हो प्रॉपर्टी वैंडलाइज करने से, बिकॉज आपको परमिशन चाहिए थी। आपको क्या लगता है जो बच्चे रात रात बढ़ बैठ के पढ़ रहे हैं, जो लाइफ जी रहे हैं, ठीक है हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं ना, हमने इतनी जिंदगी नहीं देखी, लेकिन हम बेवकूफ तो नहीं है ना? आप हमारे मुंह पे आके हमको बता रहे हो, कितना और बेवकूफ बनाओगे जनता? लोग ये तो जानते हैं कि पुलिस तो सरकार के अंडर में होती है, और जैसे सरकार आदेश करेगी वैसे पुलिस काम करेगी। दिस इज वर्ल्ड वॉर 3, सारी फोर्सेस एक बंदा कंट्रोल कर रहा है, जुडिशरी को एक बंदा कंट्रोल कर रहा है, दिस इज वर्ल्ड वॉर 3। ये वो वक्त है जब दुनिया खत्म होगी, जब ये देश खत्म होगा। अब भी अगर लोग नहीं बोलेंगे तो देश खत्म होगा। आप हिंदू मुसलमान को बांट रहे हो, दिस इज द मोस्ट सिक थिंग वन कैन डू। कहीं ना कहीं जो आप ये चीजें बीजेपी कर रही है, चाहे धारा 370 हो, 3 तलाक हो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने कल रात में बैठ के बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में 13 चैप्टर है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में 13 चैप्टर में स्टार्टिंग के 10 चैप्टर में डेवलपमेंट, वुमेन, सेफ्टी, हेल्थ इश्यूज कहीं पे कुछ नहीं है, वो सब 13-14 चैप्टर में आता है। उनके हमने जिस सरकार को इलेक्ट किया है उसके मैनिफेस्टो में बहुत क्लियरली लिखी थी ये चीजें, 370 NRC CAV सब कुछ बताया गया था। बट हम हिंदुस्तानी, मैं खुद, मैंने किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है, हमने ये चीज पढ़ी नहीं, हमें नहीं पता था। अब जब जाके मैंने पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि वुमेन सेफ्टी और डेवलपमेंट ये तो इनके इश्यूज ही नहीं है, इनको तो कुछ और ही करना है, इनको तो मजे लेने हैं। तो ये इनके कभी इनका कंसेप्ट ही नहीं था ये वुमेन सेफ्टी। और ये आप मुझे एक बात बताएं, दिन भर में कितने रेप होते हैं आपको खुद को पता है? आपको रात में, अगर आपकी कोई बहन है आपकी बहन, आप उसको रात में 2 बजे निकलने दोगे बाहर? आपको डर लगता है? पहले भी निकलने दे सकते थे, सरकार की बात छोड़ो, आप दे सकते हो रात में 2 बजे अपनी माँ को अकेले सड़क पे निकलने दोगे? मैं तो नहीं निकलने दूंगी, कोई नहीं निकलेगा। तो आप बताएं मुझे किस देश में रह रहे हो? जिस देश में पुलिस घटना के आधे घंटे के बाद पहुंचे और यूनिवर्सिटी में शाम के 6 बजे ही पहुंच जाए बच्चों को, कब? सरकार का कहना क्या कहना, जो पूरी स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं जो पिछली गवर्नमेंट रही है उनके कारण ये ऐसी स्थिति बनी है, टाइम लगेगा इसे थोड़ा सुधरने में। हाँ, मुझे एक बात बताएं, कितना टाइम चाहिए? कितना टाइम? हिंदुस्तान को आजाद
हुए 70 साल हो गए। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे कोई भी अगर मुझे पूछेगा मुझे किस चीज से आजादी चाहिए, मुझे इस डर से आजादी चाहिए कि अभी अगर मेरे माँ बाप का मुझे कॉल है और मैं उनको बोलूं मैं प्रोटेस्ट में हूँ तो उनकी जान खत्म होने को ना है, क्योंकि इस वक्त सबको पता है जो लोग बाहर निकल के बात कर रहे हैं दिस इज सुसाइड, व्हाट वी आर डूइंग इज सुसाइड। हमें नहीं पता हमारी जान की हमारे गर्दनों पे तलवार लटक रही है, हम कब मर सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है ना हम बोलना बंद करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम। वो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, हम उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते। दिस इज सिक मेंटालिटी। आप आरएसएस स्कूल्स बना रहे हो, आप बच्चों को भेज रहे हो, वीडियोस वायरल हो रही है, जाओ जाके मंदिर मस्जिद तोड़ो। क्या बच्चे है वो, जिस उम्र में उनके हाथ में पेंसिल किताब पकड़ानी चाहिए आप उनको मंदिर मस्जिद सिखा रहे हो। ये हिंदुस्तान का फ्यूचर है ये जो आप देख रहे हो ना। सरकार तो कहने के कह रही है कि हम बिज़नेस गुरु बनाएंगे इस देश को, डेवलप कंट्री बनाएंगे, और आप कह रहे सरकार बिल्कुल उलट है। बहुत डेवलप हो रही है, दिसंबर में मेरे एग्जाम होने थे, मैं सड़क पे खड़ी हूँ, बहुत डेवलप हो गई कंट्री, मुझे मेरी डिग्री खतरे में लग रही है, मैं लॉ कर रही थी, कहीं मुझे मैंने देखा नहीं कभी बोले हुए, मैं लॉ कर रही हूँ ठीक है, मुझे अपनी डिग्री यूजलेस लगती है, क्या फायदा इसी डिग्री का। मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करने की नहीं, आई एम सॉरी, वो बर्बाद कर रहे हैं। क्या है ये, आप लोगों को लाने की बात कर रहे हो, रखोगे कहाँ, अपने लोग आपसे खुश नहीं है। जैसे आपने कहा मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा, तो इसमें कहीं ना कहीं लगता है उनकी विचारधारा ऐसी है, वो लोग तो इस चीज पे काम करना चाहते, नई बात तो है नहीं, वो तो चाहते यही थे। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप में से किस किस को पता है बीजेपी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, बीजेपी पार्टी बनी कैसे, कि 70s के टाइम पे जब इमरजेंसी आई थी तब एबीवीपी ग्रुप बनाया था अरुण जेटली सर ने, जब वो डीयू में एलएलबी कर रहे थे, उन्होंने एक स्टूडेंट मूवमेंट शुरू करा था, जिसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई। वो लोग खुद इस तरीके से लाइमलाइट में आए, उन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट के बेसिस पे अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करा। नाउ वन डिफरेंस, जब उनकी पार्टी थी इंदिरा गांधी ने उनके ऊपर ना पुलिस वाले छोड़े, और मैं पुलिस वाले छोड़ना बोलूंगी बिकॉज वो कुत्तों से कम नहीं है इस वक्त, ना उनके ऊपर पुलिस वाले छोड़ेगा ना उनके ऊपर डंडे बरसाएगा, इनफैक्ट उन्होंने जयप्रकाश नारायण को उठा के एक पूरी गवर्नमेंट गिरा दी, और आप हमें बता रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। हमारे पास दिमाग है, हमारे पास एजुकेशन है, एंड दैट इज आवर वेपन, वी यूज इट। हम हेट्रेड नहीं फैलाते हैं, हम पढ़ते हैं, वी टीच एंड वी प्रीच, दिस इज व्हाट वी डू। आप कहीं ना कहीं पूरे आंदोलन को देखते हुए आपस में टकराव की स्थिति भी बनने लगी है कहीं कई जगह, क्योंकि बहुत जगह बन रही है, भी उतरने लगा है, कुछ लोग विरोध कर। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं परसों लाजपत नगर गई थी, वहाँ पे 20 लोग गिन के सीएए के इसमें फेवर में प्रोटेस्ट निकाल रहे थे। आई एम टेलिंग, उससे ज्यादा बच्चे ना मेरी यूनिवर्सिटी के कैंटीन में बैठे होते हैं, और उससे ज्यादा बच्चे ना जुमे की नमाज में होते हैं, ठीक है, तो कितने लोग फेवर में। आप मुझे एक बात बताओ, दे बैन पॉन एंड देन दे स्टार्ट ट्वीटिंग, इस नंबर पे मिस्ड कॉल दो और सेक्स का फायदा उठाओ, व्हाट इज दिस। हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है भाई, क्या करना चाह रहे हो आप, ये आप ट्विटर पे नंबर निकालते हो कि कॉल करो, मतलब ये क्या तरीका है समर्थन पाने का। देखिए 130 करोड़ की आबादी में अगर आपको सिर्फ 53 लाख मिस कॉल आती है तो डू द मैथ, कितने लोग आपके समर्थन में, 53 लाख मिस कॉल भी ऐसे वीडियोस और ऐसे ट्वीट, वो उसमें से कितने लोग सपोर्ट में थे, कितने लोग वहाँ पे सेक्स के लिए थे, कितने लोग वहाँ पे नेटफ्लिक्स के लिए थे, आप इस चीज आप क्रोनोलॉजी समझिए अब कि कितने लोग इसके लिए थे और कितने लोग उसके लिए थे। कभी ऐसा नहीं हुआ है किसी भी कंट्री में कि कोई बिल पास हुआ और उसके सपोर्ट में लोग खड़े हो, और जो ये लोग समर्थन कर भी रहे हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं ये, इनका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है क्या, इनको अच्छा लगेगा कि इनका बेटा 5 लोगों से पहले कम्पीट करता था एक सीट के लिए, वहां पे 20 लोगों के साथ कम्पीट करेगा, क्या इस चीज का सपोर्ट कर रहे हो आप की बैटल अगर इलीगल इमिग्रेंट से है, इलीगल इमिग्रेशन से है तो वो जायज है, इलीगल इमिग्रेंट को ना लड़के आप उनको नागरिकता देने पे उनका सपोर्ट करो, ये क्या कहाँ रखोगे उनको, रखोगे कहाँ, खुद के लोगों को नौकरी देने के लिए नहीं है आपके पास। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हमारी इकोनॉमी की मिनिस्टर इतनी सैल्यूट टू हर, वो कहती है कि मुझे टेंशन नहीं है मैं प्याज नहीं खाती हूँ, ये क्या है, ये लोग निकले थे इकोनॉमी ठीक करने, प्याज और मुर्गे के भाव बढ़ा दिए।
इस देश का यूथ अब समझने लगा कि कहीं ना कहीं देश गलत था। भाई हम समझ पहले से रहे थे, हमने बोलना अब शुरू करा है। तो हर जगह रहे हैं ना, बोलो जीत कहाँ रहे थे? थे जीत तो रहे थे। आई एम सो ग्रेटफुल CAA हैपेंड। मैं एक कश्मीरी हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है, मैं एडमिट करती हूँ एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। जब ये चीज कश्मीर में हुई मुझे ये पता था कि ये देश के हर मुसलमान पे हमला है, लेकिन कोई नहीं समझा। क्योंकि पता है हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब तक कोई मुसीबत हमारे घर के दरवाजे पे आके दस्तक नहीं देती ना, हमको समझ में नहीं आता है। बहुत सही। तब तक हमें आराम करना है और तब तक हमें कुछ भी नहीं बोलना है। बट अब जब ये हो गया है, या तो अब बोलो या तो अब बंद हो जाओ। तो क्या लगता है आपको, सरकार बैकग्राउंड करेगी? नहीं, अभी इसका कोई एंड नहीं है, अभी इसका कोई एंड नहीं है। बिकॉज अगर इसका एंड होना होता ना, तो 15 तारीख की रात को मेरे एक सीनियर की एक आंख पूरी डैमेज होने के बाद हमारा गृह मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होके ये नहीं बोलता कि हम तो एक इंच भी नहीं हिलेंगे। वो लोगों की ईगो पे बात आ गई है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इट इज वी अगेंस्ट द पीपल, वी इलेक्टेड। अगर उनको हम कुर्सी दे सकते हैं तो कुर्सी छीन के कब गिरा सकते हैं उनको खुद पता नहीं चलेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्या इस पूरे मामले में, इस माहौल में जो स्थिति बनी है देश की, कहीं ना कहीं मीडिया का भी इसमें भूमिका रही है, आप कैसे देखती हैं? बहुत बड़ी मीडिया ने तो बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन मैं उस बात पर कुछ कहना नहीं। बहुत बड़ी भूमिका मीडिया ने इसमें निभाई है। जैसे 15 तारीख को जो JNU में हुआ, उसके बाद जी न्यूज या किसी और चैनल का ये पोल था, जिसमें पोल में पूछा गया था कि हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द JNU वायलेंस, लेफ्टिस्ट गूंस, कांग्रेस गूंस और ABBP स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स में लिखा है कि हु आर माइनॉरिटीज इन JNU। मीडिया ऐसे पोल निकालेगी? और उस पोल में भी वो हारी है। तो मीडिया ने जो भी अक्यूजिशंस लगाए हैं स्टूडेंट्स पे, मीडिया ने तो यहाँ तक ये भी दिखाया है कि भाई लोग यहाँ पे खड़े होकर नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। देश के किसी भी मुसलमान से जाके पूछ लो, किसने ऐसा बोला होगा कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व की कब्र खुदेगी? ये दिखाने का कोई तुक ही नहीं बनता है। आप पूरी तरह बिके हुए हो, मीडिया पूरी तरह बिकी हुई है। हम आवाज भी उठाएं तो उसको चेंज करके दिखाया जाता है लोगों को, लोग भड़केंगे नहीं तो और क्या होगा? ये तो गुस्से की बात है ही, जाहिर सी बात। जो चीज टेररिज्म बॉम्ब ब्लास्ट ने इस्लाम के लिए करी, वो इस वक्त BJP भाई क्वेश्चन करने हमें आए। नहीं, हम पूछ रहे हैं। एक मिनट चाचा, आप बोले। देखे, जो चीज टेररिज्म ने इस्लाम के लिए करी, वही चीज गोदी मीडिया और BJP हिंदुइज्म के लिए कर रही है। जैसे एक जो हिंदू संगठन है, उसके नेता का बयान आता है कि JNU में जो हमला हुआ वो हमने करवाया, क्या आपको नहीं लगता जैसे सीरिया में, इराक में या अफगानिस्तान में ऐसे संगठन अलकायदा वगैरह अपनी जिम्मेदारी लेते थे कि हमने बम फोड़ा, क्या देश उस तरफ नहीं जा रहा है? हमारा देश तो बहुत पहले से वहीं पे था। हमारा देश तो बहुत पहले वहीं पे था। आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे यूपी में कहाँ पे क्या कुछ नहीं होता है। मैं आपको अगर इस वक्त अभी इंसिडेंट्स गिनवाने पे आऊंगी ना, इट वुड टेक मी 2 days। रेप होता है, लड़की को जला दिया जाता है ऑन स्पॉट, एक MLA आगे एक बच्ची का रेप कर देता है, इतनी सी 9 साल के बच्चे की रेक्टल ब्लीडिंग हो गई, डूड गेट अ लाइफ। और आप मुझे कह रहे हो कि देश वहां जा रहा है? हमारा देश बहुत पहले से वहीं पे था, हमारा देश बर्बादी की कागार पे पहुंच चुका है। दिस इज हाउ वी स्टेटेड कि हम बर्बाद होने की कागार पे आ चुके हैं। गांधीवाद, बिस्मिल की पॉलिसीज, अंबेडकर की पॉलिसीज जो भी थी वो सब खत्म हो रही है। और जो गोडसे आ गए हैं वापस। आखिरी सवाल मेरा आपसे, कुछ लोगों का कहना है कि जो रेड विंगर है ये इंडिया में नहीं, ये पूरी दुनिया में रेड विंग जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में एक तरफ से आ रहे हैं। चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, ईरान पे हमला हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन रही है ये पूरा देश में, पूरी दुनिया में ऐसी एक ये माहौल चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मोदी भी एक हिस्सा है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? देखिए, ये जो यहाँ पे जो देश में ये जो खराब माहौल बना है, ये कब से बना है? आप मुझे खुद बताइए कब से बना है? जब आपने CA का वोट किया, CA को पास करवाया, CAB को CAA बनवाया, उसके बाद से ऐसा माहौल बनना शुरू हुआ है। ये लाया कौन बिल? क्या कांग्रेस ही लाई थी? क्या कांग्रेस ने ये पास करवाया था? ये BJP ने करवाया था। BJP को ही बचना है, पूरी दुनिया को भी बचना, पूरी दुनिया को बचना चाहिए। देखिए, यूनिटी और पीस वर्ल्ड इश्यूज है।